वेलकम। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, ठीक हो सारे? तो भाई मामला चेकअप चेक है और मेरे पास एक स्पेशल चीज़ है, लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे प्यारे भाइयों का कुछ डाउट था वो क्लियर कर देते हैं। यार एक्चुअली यार मेरा ना टाइमिंग यही है, मैं सुबह सुबह ही आता हूँ ऑफिस से 4:30 5 के करीब। तो भाई मेरे भाइयों ने बोला था कि टाइम चेक करा दिया करो गूगल पे, तो आपको दिखा देता हूँ। यार यहाँ पे मैंने टाइम इन इंडिया डाला हुआ है ना, इज इट विजिबल? तो मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, इज इट रिफ्रेश ना? तो भाई 4:42 हो रहे हैं। तो भाइयों ये छोटी सी चीज थी, मैंने आपको दिखा दिया है। तो भाइयों कंटिन्यू करते हैं। मैडम क्या है ये, व्हाट इज दिस? चिकन है चिकन वो? तो है ये, लेकिन भाई ये फ्रेंच फ्राइज की तरह लग रहा है। मैडम ने ब्लिंकिट से मंगवाया, मैंने बोला ड्रिंकिट से, तो भाई ये ड्रिंक पड़ी हुई है यहाँ पे इसलिए। तो ये भाई चिकन फ्राई नहीं, चिकन क्या बोलते हैं उसे, व्हाट इट कॉल्ड, बोले फ्रेंच फ्राइज चिकन बोलते हैं ना, फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं ना इसको, लेकिन ये चिकन फ्रेंच फ्राइज है फिंगर भाई, दिखने में तो अच्छा लग रहे हैं यार। तो भाइयों ये सब भाई बिल्कुल अलग है, लेकिन जो मेन कोर्स है वो भाई मेरी प्यारी प्यारी मेरी ब्यूटीफुल वाइफ ने बनाया है भाई, आलू गोभी की जबरदस्त सब्जी भाई, फेवरेट और बहुत अच्छी बनाती है। आलू गोभी मटर और एक दो तीन रोटी तूने भाई। तू बोला था तीन बना। तो भाई आलू गोभी बनाने से पहले मुझे पता क्या आ गया, मैडम बोली कि आलू गोभी जो है कितनी, 180 रुपए किलो। क्या हाउ मच इट वॉज? ना तो इस इतनी पहले तो इस 240 1 kg, पिछले पिछले 240, फिर बाद में 80 रुपए। ओ भाई दांत देख रही था ना, दंत मंजन वाले भाई, ऐसे ही होगा, इसको बंद करना पड़ेगा, पूरा भाई ढक्कन ही टूट गया। तो भाई ओल्ड हैबिट को चेक करते हैं कैसा है, वैसे किया हुआ है मैंने, ये भी अच्छी है। तो यार गोभी का मैम ने ना मुझे पहले प्राइस बता दिया, ये इसका इंडिकेशन था कि मैं एक भी भाई जरा सी सब्जी भी वेस्ट ना करूं। तो भाई अच्छी बात भी है वैसे, पानी डाल। सिंबा हाँ को कुछ मत दे, नहीं नहीं सिम्बा कुछ नहीं कहूंगा, सिम्बा आराम, सिम्बा आई थिंक इज फीलिंग स्लीपी यार, उसे ऑब्वियसली इतने मोटर चला रखी है क्या, चावल खा पानी रही चेक कर उसने। लिया उन्हें? हाँ पानी हाँ की बड़ी मारा मारी है यार दिल्ली में, पता होगा आपको। चावल खा लिया मैंने। अरे खा लेते हैं इसको यार, ना प्लीज थोड़ी सी सॉस डाल दियो बेटा इसमें। सबसे पहले यार रोटी चेक कर लेते हैं इसके साथ, भाई कसम से बहुत भूख लगी हुई है। आज मैं ऑफिस गया था ना, मैं डाना मैंने ऑफिस से आज माने कि आज मैंने एक भी ब्रेक नहीं लिया यार, आई डिडंट हैव एनीथिंग। तो बस तूने पै जाने से पहले तीन पराठा खाई थी ना, आलू पराठा, आज भी पराठा खा ले, प्याज के पराठा बनाऊंगी। हाँ इट्स वेरी नाइस, नाइस। गरम गरम खा गए ना आ गया आ चाहिए। गया आ गया, नहीं उसको ना चाहिए। हाय यस ले, नहीं दे ये दे, देख 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 देख, जल्दी जल्दी घुट मार दो ना, तू गले में हल्का हल्का लगता है ये दिया। भाई ये रेकमेंड करूंगा यार आपको ब्लिंकिट से, अच्छा है ये एक्चुअली में। सुन तो ले, क्या नाम किया इसका, नाम आई डोंट नो, चिकन फिंगर्स ऐसा बोल, खत्म हो गया फिंगर्स, बट ये ठंडे हो गए हैं यार। तो मैंने पहले से फ्राई किया तो यही करना है, यही करना है, हमारे पास गरम एक्चुअली गरम 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 खा के ना। हमारे पास माइक्रोवेव भी नहीं है ना अभी, इस वजह से, तो माइक्रोवेव हो ना तो मैडम बहुत चीजें बना लेंगे, लेकिन यार ले लूंगा माइक्रोवेव ना मैं। खत्म हो गए मेरे, मेरा खत्म हो गई, जा खत्म हो गई। देख तेरे पास आएगी, तेरे पास आएगी, तेरे पास आएगी। सिम्बा बेटा नहीं नहीं आपकी, नहीं 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 है बाबू, अब मम्मा ने बस हो आपको गया यहाँ तो दिया। सबा ए गंदे तो यार, नहीं गणेश को तो जानना ना, ए संभा दे दे यार, एक दे दे इसको, ले ले दे दो यार, सिम्बा भाई मानेगा नहीं। इधर आ, ये जो पैक बना ना ये मोटा बना दिया मैंने, पानी कम डाला इसमें, पहला पैक जो है ना
शायद मोटा बनना चाहिए या नॉर्मल बनना चाहिए, दूसरा तक आई थिंक बोलते हैं मोटा बनाओ, नहीं पहला ही बोलते हैं शायद यार, पहला दूसरा कोई नहीं यार चलना। अब यार मतलब यार पता क्या, बहुत ज्यादा भूख लगी हो ना तो आपको यार कुछ भी मिल जाए ना, दाल चावल मतलब कुछ भी, बहुत सादी चीजें मिल जाए वही बड़े मजेदार लगते हैं। अब सिंबा अब बस हो गया और नहीं खाना तुझे, खत्म। खत्म हो गई, बस हो गया। अभी यार अभी हम छत पे गए थे मैं डाना को लेके, तो बस 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 जाने नहीं कर रहे डरे, पूरी बर्फ, ये पूरी बर्फ जमी है यार, आई थिंक इट नीड्स वाटर यार, ले लिटिल बिट, जस्ट फॉर लिटिल बिट। दैट्स इट, डरा कहाँ गई थी ये सेकंड फ्लोर वाली के साथ तू आज? अरे नहीं गई, मैं ऐसा बोल रही हूँ, हमने कहीं नहीं गई। ऐसे बोल रही परेशान कर दी अपने पति को? कल क्या हुआ, कल गैस की जो गैस की नोजल होती है ना, नोजल वो जो होता है उसका कम ज्यादा करने वाला, वो खराब हो गया। हाँ मुझे यकीन नहीं हुआ, हाथ भी है तो डायना उसको ठीक करवा देगी लेके जाके। तो मैंने तो तुझे पहले से बोल दिया मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, कोई भी तूने, मैंने पहले तो मैंने इसको ये बोला कि छुट्टी वाले दिन करवा दूंगा, वो बोला जो मतलब गैस है ना वो यूज मत कर, साइड वाला यूज कर ले। लेकिन भाई ये बात को एक चीज ठान लेते ना वो करके बैठती है, इसने अपने सामने वाली फ्रेंड है सामने वाली नीचे पागल नीचे वाली के साथ गई थी, नीचे मैडम की फ्रेंड है, उनके साथ स्कूटी पे पहुंच गई। अब उसकी दुकानों का पता है यहाँ पे आसपास वाली, अब खुद चली जाती है। अब ये हमें गैस लिया था, ये वारंटी पे था ना, हमें नहीं याद है इसका जो भी वो कार्ड वार्ड मिलता है वो खो गया है, लेकिन वो गैस वाले भैया को याद था कि हम आए थे, मतलब पास में ही है, तो मैं उसके बाद बाद में ही गया। तो यू सो बाय थिंग्स फ्रॉम हिम ओनली ना, हां उससे ही खरीदते हैं सामान वान। ले अभी मेरी मम्मी का भी गैस का तार खराब हो गया था, मैं ले ले वहीं से ठीक करवाया था। सबा ये देख, ही इज आस्किंग ना, इट्स नॉट, उसने फ्रीमेंट ठीक कर दिया। हां ये ले, गिव हिम ना डन देन, ये ले ये ले ये ले ये ले ये उधर मम्मी से इधर 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 ये अतरंगी है यार सिम्बा ना, अगर नहीं देगी ना फिर रोएगी। आ ही नहीं रहा था नीचे भाई, छत पे ही कहता मुझे घुमाओ वहीं बैठूंगा। अब अंदर यार इससे घुटन होते हुए लगता है, कब मेरे के अंदर ना भले एसी चल रहा है, अब बस हो गया, धूप में बैठा रहेगा लेकिन यहाँ पे पंखे एसी के अंदर नीचे बैठेगा, ऐसा है डीड बिल्ला। अब बस हो गया, अब मत दे यार। हाँ तो मैं कहाँ दे रहा हूँ, तू खिला जा रही है उसे। अब ठीक है तू? नहीं हुँ? मेरा पेट सही नहीं अभी, अब भी ठीक नहीं हो, बुखार बुखार ठीक हो गया, अब बस हो गया। पता नहीं मैंने आपको बताया नहीं बता लास्ट वीडियो में, अभी भाई कुछ दिन पहले उसको इतना तेज बुखार हो गया, इतना तेज मतलब इसकी बॉडी ठंडी लेकिन बॉडी ठंडी, माथा गर्म, ये गर्दन गर्म, हाथ इतने, हाथ और पैर की तलियां होती हैं इतने गर्म, बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। वो तो शुक्र है मेरी छुट्टी थी इस बार लास्ट वीक फ्राइडे में, तो मैं इसको ले गया, इसके टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, एक टेस्ट की और रिपोर्ट आनी है। आ गई वो भी आ गई, क्या है उसमें देखा तुमने? अरे बता नहीं क्या लिख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा तो तू डॉक्टर समझ आए
इट्स अ काइंड ऑफ अ मेडिसिन समथिंग लाइक दैट मेडिसिन पता नहीं इसने क्या इसकी दोस्त है शिलोंग में ठीक है नर्स है उस पे बड़ा विश्वास करती है भाई फट फोन हुआ देखो से तो ऑब्वियसली शी इज अ नर्स ना शी विल नॉट नो पागल वो अपनी लैंग्वेज में फिर उसे बताते नहीं थी उसे बताया ना तो फिर उसके रिपोर्ट के बारे में नहीं मैंने राइट अरे वो तो इट्स नॉट दैट सीरियस वो कुछ भी नहीं है तो डॉक्टर ने नहीं बोला था बेचारे को फूड पॉइजन या फिर इन्फेक्शन हो गई मेरा बट फिर भी यार टेंशन हो जाती यार और वैसे यार मौसम पता नहीं कैसा चल रहा है तो मुझे तो टेंशन हो गई थी मैंने कहा क्या हो गया इसको और हॉस्पिटल वालों ने ये बोल दिया था अगर ये दो तीन दिन तक ठीक नहीं हुई ना एडमिट कराना पड़ जाएगा वहाँ मुझे दिक्कत आई यार मैंने कहा भाई अगर मैं इसको एडमिट करा देता हूँ ऑफिस से मुझे छुट्टी ऐसे मिलनी नहीं मिल जाएगी तो फिर मुझे ही बड़ा लगेगा मैंने कहा इसके साथ फिर नहीं रहना मैं अगर भी हो भी है मैंने करूंगी सिम्बा कैसे रह लेगी अकेली सिम्बा को भी हॉस्पिटल में ले आएंगे साथ में रहेगी जान करेगी डॉक्टर को काट लेगा तो यार टेंशन हो जाती है यार लेकिन सारा सामान फेंकेगी हाँ तो भगवान साथ में है तो यार ठीक है अभी तो पूरी ठीक नहीं है ना अभी तुझे दिक्कत क्या है तो बता अरे बस पेट का है यार पेट बुखार ठीक है दिखा हाथ दिखा हाथ तो नहीं गया नहीं यार बुखार नहीं है बुखार नहीं है इसको हाँ है लेकिन क्योंकि टेम्परेचर भी नॉर्मल आ था हल्का सा ज़्यादा था लेकिन हाथ और पैर की तलियाँ होती हैं तलियाँ बहुत ज़्यादा गर्म थी रात को इसलिए तो मैं वीडियो नहीं बना पाया शुक्रवार को मैं पी तो रहा था थोड़ी बहुत पी रहा था खा रहा था इसके माथे में पट्टियाँ रख रहा था वो रुमाल था ना गीला रुमाल वो रख के फिर इसकी सेवा करी मैंने ये बोलती कि मैं कुछ करता नहीं पति होते ना पति तो सेवा करी मैंने यू हैव टू डू एवरीथिंग जब तुम बीमार हो या नहीं करती इतना बीमार हो के भी फिर तेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बना रही हूँ ना वो तो अगले दिन बनाया था उस दिन मैंने नहीं बनाया चिकन उस दिन नहीं बनाई चिकन पराठे नहीं बनाई इतना बीमार हो के भी काम करी साफ सफाई करनी है ये है वो करनी तूने एक बार 50 बार तुझे बोला कि अगर तू बीमार है तो कपड़े ना धो बर्तन ना धो रहने दे तो फिर कौन धोएगी फिर ऐसे मैं ऐसे मैं रह नहीं सकती गंदी मैं रह नहीं सकती मैं और बीमार हो गई उसको मैंने बोला कि भाई बर्तन मत धो कपड़े मत धो लेकिन उसको बुखार में भाई पेट दर्द हो रहा बुखार हो रहा फिर भी इसको कपड़े धोने हैं बर्तन मारने हैं झाड़ू लगाना है पोछा लगाना है और बीमार हो जाऊंगी मैं तो मैं कर देता शनिवार को मानती नहीं है तो बात नहीं मानेगी ना आप ही चलाती रहेगी बुखार इतनी तबियत खराब हुई घर का काम कर रही है करे जा रही है बोलो रुक जा थम जा सो जा रेस्ट कर ले नहीं और चैन नहीं है ना यार अब जब बता दिया ना डॉक्टर ने ऐसे एडमिट होना पड़ेगा टेंशन में आ गई अरे एडमिट हो जाएगा टेंशन खुद की नहीं मेरी है प्यार भी तो करती है ना नहीं करती सरबू तो यार इसको पता है मेरा ऑफिस है फिर मैं ऑफिस ऐसे बस हो गया बस बेटे इधर आप मत दे मत दे मत दे मत दे अपने हो गया तेरा दादा इसको मेयोनीज खिला दे थोड़ी सी पागल है क्या नहीं मत खा ये सब नहीं जा अपना खाना जा खा ले जरा सी दे इसको उंगली में टेस्ट करवा दे इसको ले मम्मा से खा ले यू थिंक ही विल ईट ही विल ईट यार नोजी पे लगी इसके देख देख इसी की नाक पे लगाओगे बहुत क्यूट है यार बट यार भगवान की दुआ से मतलब ठीक है नंदा बच्चा मतलब 100% नहीं बट ठीक है जाने नहीं कर दे अब नहीं जाना बाहर बस बेटे अब नहीं जाना बताइए ही वांट्स टू स्लीप ऐसे करिए
He didn't even sleep in the night. I know. सिम्बा ना धूप में यहाँ चलते काजल लगाया उसका ओए मोजी पे लग गया उसका रहना कोई बात नहीं लिख कर ना ना मोजी पे मत लगवा सांस लेता है मत को अरे ही लिख बेटा शेम्बे सिम्बा जरा शेम्बे साफ कर दे उसका मुंह साफ कर दे ना इधर आ मुंह साफ कर दे पानी से कोई बात नहीं कपड़ा से कर देगी इसको नहलाना भी संभव हो यार नहीं नहीं करनी है सर भाई गंदा बच्चा बाहर की आइटम अलग है यार लेकिन मेरी बीवी की आके खाना पीना या रोटी देख बहुत ज्यादा टेस्टी है ना तेरे हाथ में जादू है वैसे आलू के पराठे आप खा लोगे ना कसम से बोल रहा हूँ मास्टर शेफ भी फेरा इतना बढ़िया बनाते आलू के पराठे एक नंबर मतलब आप दही के साथ खा लो मक्खन के साथ खा लो देसी घी के साथ खा लो या चाय के साथ खा लो मैं मैक्सिमम अचार या फिर दही या फिर चाय के साथ ही खाता हूँ मक्खन के साथ खा लेता हूँ तो सुबह अब ये बनाएगी प्याज के पराठे है ना अजवाइन डाल दो थोड़ी सी में मजा आ गया यार ऐसे यार बस मतलब थोड़ा बहुत चिट चैट हो गई है अब पता क्या हमारी डिस्कशन होती है कि जब से हम आपको जैसे हम आपसे बातें करते हैं अब थोड़ा अब हम दोनों थोड़ा वोकल हो गए हैं ना और एल्स मैं घर पे हूँ ना अभी मुश्किल से 5-10 मिनट बात होगी बस वो भी कोई रीजन होगा कुछ काम आ गया या फिर ऐसे अगर तो हम बात ही नहीं करते दूसरे से जैसे हम आप मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ वो मेरे बारे में बात करी मुझे पता आ रही है मैं आप उसको बता रहा हूँ है ना तो बात तो कर फोन में एक ही करते हैं क्या घर पे आके क्या बताएगी हाँ वो भी है तुम ऑफिस से निकलेगी कॉल करेगी एक घंटे बात करेगी जब घर पे आएगी तो क्या ही बात कर लेगी ऑफिस अगेन मैं फोन करता हूँ फोन नहीं रखेगा तू बात कर बात कर ऑफिस से मैं अपने पहुंच रहा हूँ 5 मिनट पहले फोन कर देगी मुझे बात कर मतलब यार क्या है यार ये जाने से पहले भी जाने तुम ऑफिस और अच्छा बात है मेट्रो में मेरे से कभी बात करती भाई मेट्रो में बैठेंगे कभी भी चक्कर आ जाते हैं अनजान औरत से अनजान ऐसा बिहेव करती हूँ गाड़ी से भी नहीं बात करती हम इसको मैंने बहुत थोड़ा बहुत घुमाया जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना भाई मजा ला बात कर ले मुझे पूरी ड्राइवर वाली फील देती है ड्राइवर वाली टोपी पहननी बाकी है बस ड्राइवर पूरी ड्राइवर में फील देती है लेकिन यार प्यार किया है तो निभाना पड़ेगा अगले जन्म में कोई और आएगी अच्छा यार गुस्सा करती यार यार टेक्सास में यार थोड़ा इशू चल रहा है बहुत काम होता है पता है मुझे मुझे लाफिंग खानी है यार चलना सैटरडे में लाफिंग खाएंगे गर्मी बहुत है बेटे लाफिंग खानी है यार मस्जिद में कटी रहते नहीं इधर में तिलक नगर जाएंगे मोबाइल एडिक्शन है इतना दूर हम थोड़ी ना जाएगी मजनू पतीला यही पे तिलक नगर ना या फिर सुभाष नगर हम पहले जाते हैं मोमो एडिक्शन में याद है कहाँ सुभाष नगर शायद वो
हाँ जैसे जो पूछिस ना, जो सिम्बा की जो इंजेक्शन लगवाती है उसे पहले, याद है जो मार्केट में हमने एक बार खाई तो थी वहां पे, लफिंग हाँ खानी है यार मुझे वो। जाएगी जाएगी कि नहीं जाएगी? ले जाऊंगा, छाते भी ले जाऊंगा उसको। मैं I want to eat laughing यार so badly। उनको खाने लाफिंग खिला देंगे इसको तो। यार दे दे वो चिकन खाऊं। किसी ले ले ले, नहीं खांदी नहीं नहीं खाने, की मैं चाय भी हुआ। क्यों हो गया? चाय बना ले, चाय। मैंने नहीं बनानी। मैंने नहीं बनानी भाई, पंजाबी सी मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, बड़ा मजा आता है। मैंने नहीं बनानी, मैंने नहीं तुसी खुद बनानी, बनानी। बड़ा मजा आता है यार। मतलब यार छोट वही है, मतलब मैंने चाय बनानी नहीं आंदी। कहीं चाय बनानी नहीं आती, देख रहे हो? मतलब इतना लैंग्वेज बैरियर है, इतना फूड का मतलब इतना बैरियर है, लेकिन एक क्या है, टांका तो नाउ आई लर्न टू स्पीक चढ़ाऊंगा। पंजाबी। नो आई स्टिल लर्न नॉट, तो बट स्टिल ना, हाँ बट स्टिल यस शी इज ट्राइंग, इट्स गुड, बट एक टांका जुड़ा हो यार प्यार का, तो इसलिए यार रवि भाई भाई आपकी बात सुन के बहुत यार मतलब फील हुआ यार मेरे भाई। आप टेंशन ना लो यार, आप ये चिकन ना नीचे उठा लो, आई नो नहीं खा रवि ले। भाई टेंशन ना ए, लो आप, वो प्लीज उधर में जाके खा ले, अब मैं नहीं दूंगी। भाई, जो मतलब लिखा हुआ है ना भाई वही होगा यार। आप भगवान का लिखा ना, ऊपर वाले का लिखा टाल नहीं सकते मेरे भाई। जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई, आपका भाई हूँ मैं, और आपको मैं बता रहा हूँ यार अपने एक्सपीरियंस से, जो होगा ना अच्छा ही होगा। आप टेंशन ना लो मेरे रवि भाई, साथ रहो मेरे भाई, टेंशन ना लो प्लीज़। और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे बहनों, कोई कुछ ऐसा बोल दिया तो भूल चूक क्षमा करना यार, बस साथ रहो यार। कुछ नया ट्विस्ट लाने वाला हूँ यार मैं थोड़ा सा, बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट में यार, बढ़िया चीज़ लेके आऊंगा। और थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। मोटर बंद करते हो मैडम? ठीक है उसी वक्त आए, चलो मेरे भाइयों।